रीडिंग फिल इन द ब्लैंक का एक ऐसा रूल जो आपको याद रख, अगर आपको कोई भी ब्लैंक आता है इज एम या आर के बाद, या तो उसमें कॉन्टिन्यूस या आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा या फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। अगर एक्टिव वॉइस में है सेंटेंस, जिसका मतलब है सब्जेक्ट पहले आ रहा है ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है, तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। अगर पैसिव वॉइस में है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ही मतलब सब्जेक्ट पहले है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट बाद में है। अगर आए क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, क्रिकेट पहले आ गया, हिम सब्जेक्ट बाद में आ गया। अगर सब्जेक्ट, या फिर आप बोल सकते हो जो बंदा एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो पहले आ रहा है सेंटेंस में, तो इज एम आर के साथ आपकी आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। अगर ऑब्जेक्ट जिस पे एक्शन हो रहा है वो पहले आ रहा है, तो आपको ई डी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। कोई भी डाउट है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। प्रैक्टिस करने के लिए आप languageacademy.com.au पे जा सकते हो या LAPT एग्जाम प्रैक्टिस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो।